पश्चिम भारत में स्थित राज्य बिहार भारत का तीसरा सबसे आबादी वाला राज्य है। बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुई, जिसे बाद में बिहार कहा गया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कहा जाए तो बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना की भारतवर्ष का। प्राचीन काल में बिहार मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना पाटलिपुत्र के नाम से। यहाँ मौर्य, गुप्त तथा मुगल शासकों ने भी राज किया। आपको यह बता दे कि महाभारत काल में बिहार का राजा जरासंध हुआ करता था, जिसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ था। और आज के समय में इस बात में कोई शक नहीं कि बिहार से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात के मुकाबले अधिक मात्रा में IAS और IPS निकल रहे हैं। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो आज के समय में बिहार की उत्पादन क्षमता पंजाब से भी ज्यादा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी। और बिहार के मुंगेर जिले में स्थित बिहार स्कूल ऑफ योगा विश्व का सबसे बड़ा योगा विश्वविद्यालय है। गंगा यहाँ की मुख्य नदी है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए राज्य को दो भागों में बांटती है। गंगा नदी पर बनी गांधी सेतु एक अद्भुत संरचना है। इन सब के अलावा बिहार में कई महान व्यक्तियों का जन्म हुआ, जैसे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिखों के 10वें धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह, बुद्धिमान महावीर, महान सम्राट अशोक, जीरो के आविष्कारक श्री आर्यभट्ट जी इत्यादि। साथ ही माता सीता की जन्मभूमि भी बिहार ही है। इन सब के अलावा बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख स्थलों में से एक बौद्ध गया बिहार के गया शहर में है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बिहार की भूमि पर ही बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय हुआ। साथ ही बिहार की मिथिला पेंटिंग, जिसका अस्तित्व आज से सैकड़ों साल पहले का है, वह आज देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध चित्रकला के रूप में विख्यात है। बिहार के मशहूर कोचिंग सेंटर सुपर 30 को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची में शामिल किया गया है। छठ महापर्व बिहार का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, जो कि साल में दो बार मनाया जाता है। यह पर्व बिहार की संस्कृति की पहचान है। बिहार का लिट्टी चोखा बहुत ही स्वादिष्ट और लोकप्रिय डिश है, जिसे खाकर आपका दिन ही बन जाएगा। यहाँ पटना में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे लंबा वाईफाई रेंज बनाया गया है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साथ ही बिहार एक प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थलों से भरा राज्य है तथा पर्यटन प्रेमियों के लिए भी एक विशेष स्थान है। जैसे पटना में स्थित ऐतिहासिक और आकर्षक गोलघर और अगम का कुआं, जो कि पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा राजगीर शहर में स्थित ब्रह्मकुंड, जहां साल के सभी दिन गर्म पानी बहता रहता है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इन 22 कुंडों का निर्माण करवाया था। साथ ही सप्तकर्णी गुफा, मनियार मठ, जरासंध का अखाड़ा, सोन भंडार गुफा, बिंबिसार की जेल, नौलखा मंदिर और रत्नगिरी पर्वत पर स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और आस्था का केंद्र विश्व शांति स्तूप इत्यादि बहुत ही लोकप्रिय है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।